नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु जिंदल जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से बोल रही हूँ। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट और एक ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि के बारे में बताने जा रही हूँ, जो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र IVF की एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि जब भ्रूण लैब में तैयार हो जाते हैं तो उन्हें सही ढंग से बच्चेदानी में प्रत्यारोपित करना, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप इसलिए माना जाता है क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी की दर इस पर निर्भर करती है। और जितनी आसानी से यह स्टेप किया जा सके उतना ही IVF के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि यह स्टेप अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में क्यों किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड गाइडेड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हमें यह पता लगता है कि हमें तैयार किए गए भ्रूण कहाँ पर रखने हैं, कितने डिस्टेंस पर रखने हैं, जहाँ पर उनके बढ़ने की संभावना को बढ़ाया जा सके। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी ईजी हो जाते हैं, क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए अपने कैथेटर को नेगोशिएट कर सकते हैं, उसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। एस शेप्ड होती है सर्वाइकल कैनाल, तो उसको हम ठीक प्रकार से नेगोशिएट करके एक डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को भी ईजी कर सकते हैं। इस तरीके से हम प्रेगनेंसी की दर को बढ़ा सकते हैं। आपको इससे पहले पेशाब रोकना ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ट्रांस एब्डोमिनल यानी कि पेट से किया जाता है। आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पेशाब कर सकती हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और आपको कौन सा कैथेटर इस्तेमाल किया जाएगा, ये मॉक ट्रांसफ़र यानी कि IVF शुरू होने से पहले हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ईजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा, और उसी टाइम नॉर्मली कैथेटर का चयन भी करके कर लिया जाता है और उसको नोट कर लिया जाता है कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डिफ़िकल्ट है या नहीं। इस महत्वपूर्ण स्टेप के लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त आपके कितने एम्ब्रियोज रखे जाएंगे, यह भी आपकी एज पे, आपकी एम्ब्रियोज की क्वालिटी पे और आपका पहले कितने IVF साइकिल फेल हो चुके हैं उस पर निर्भर किया जाता है। नॉर्मली एक से यंग पेशेंट्स में जो 35 साल से कम उम्र के हैं उनमें एक या दो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और 35 साल की उम्र के बाद पेशेंट से डिस्कस करके दो या मैक्सिमम तीन एम्ब्रियोज भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।